कोरोना कर्फ्यू में लोग काफी समय से अपने घरों में फंसे हुए थे, लेकिन अब कर्फ्यू में ढील मिलने की वजह से लोग दूर दराज गांव से भी शहर आने लग गए हैं, जिसके चलते सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में भारी भीड़ लगनी आरंभ हो गई है। सोलन में पर्ची बनाने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ देखी गई कि लोगों की कतारें अस्पताल से बाहर सड़क तक लगी हुई थी। इसी सड़क से सैकड़ों वाहन रोज गुजरते हैं, जिसके चलते कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि कहीं खुले स्थान पर पर्ची बनाने का कार्य अस्थायी तौर पर शिफ्ट करें, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे पर्ची काटने वाले काउंटर्स को ज्यादा बढ़ाए या फिर ऑनलाइन प्रणाली को आरंभ करें। फिलहाल अस्पताल में आने वाले भारी संख्या में रोगी सभी नियमों की सख्ती से पालना कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। जहां एक ओर कोरोना संक्रमण का डर लोगों को सता रहा है, वहीं बीमारियों ने भी लोगों को घेरना आरंभ कर दिया है। यही वजह है कि सोलन अस्पताल में भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं इस बारे में शहरवासियों अंकुश सूद और मुकेश वर्मा ने कहा कि अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे पर्ची काटने के लिए उचित प्रबंध करें, ताकि रोगियों को सड़क पर खड़ा होकर अस्पताल की पर्ची ना बनानी पड़े। उन्होंने कहा कि अगर वे सड़क पर खड़े हो रहे हैं तो वे दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसे में कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करें, ताकि रोगियों को रोग के साथ साथ अव्यवस्था से दो चार न होना पड़े। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, आपने अभी देखा भी कि हॉस्पिटल के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं कि लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं। सड़कों पर आ जाने की वजह से एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो ख्याल है वो नहीं रखा जा रहा है, दूसरा वहाँ कितनी भी आप पुलिस खड़ी कर लीजिए, लोगों को व्यवस्थित करना मुश्किल हो रहा है और एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब अंदर जगह नहीं बच रही तो लोग उसके लिए बाहर सड़कों पर लाइन में लग रहे हैं। तो मेरा अस्पताल प्रशासन से ये एक निवेदन रहेगा कि ऑलरेडी जो महिला और पुरुष के दो काउंटर जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल के सामने फ्रंट में लगाए हैं, उसी तरह से उन्हें इमरजेंसी जो निचली तरफ को हॉस्पिटल की बैक साइड है, इमरजेंसी के पास भी बाहर एक छोटा सा ग्राउंड टाइप है, वहाँ पर भी जो है पर्ची काउंटर जो है कोरोना काल के लिए बना देने चाहिए अस्थायी रूप से, ताकि लोगों को सुविधा हो, भीड़ कम हो और लोगों को लाइन के लिए सड़कों पर ना आना पड़े। और साथ ही साथ एक सुझाव मैं अपनी तरफ से और देना चाहता हूँ कि अगर जहाँ तक संभव हो सके, अगर इस पर्ची की प्रक्रिया को आप ऑनलाइन भी कर देंगे, जिस तरीके से पीजीआई वगैरह में भी होता है, तो उससे जो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं वे ऑनलाइन ले लेंगे और जो लोग ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं उनके लिए दो काउंटर हो जाएंगे कि अगर ऊपर वाले काउंटर पे भीड़ है तो लोग नीचे चले जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ा है। जो दूर दराज के गाँव के लोग हैं, सोलन, शिमला और सिरमौर, तीनों जगह के लोग जो हैं वो इस रीजनल हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है भीड़ रहती है। तो इस भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसे उल्लंघन ना हो, लोग सुरक्षित भी रहें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अस्पताल प्रशासन जो है इसे ऑनलाइन पर्चियाँ भी बनाना शुरू करे और काउंटर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ा दे। तो अगर ऑनलाइन कर देंगे तो जो लोग कर सकते हैं, सभी लोग जो हैं वो ऑनलाइन पर्ची भी नहीं बना सकते हैं। कुछ गांव के ग्रामीण भी आते हैं ऐसे जो नेट से अनभिज्ञ हैं, पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए तो अभी हमें काउंटर की भी ज़रूरत रहेगी। और कुछ जो है जो कर सकते हैं ऑनलाइन, यंग है और जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन भी पर्ची बना सकते हैं। आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य विभाग को और सरकार को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, भी ढील अवश्य दें, लेकिन इतना बड़ा महामारी कोरोना की जो चली हुई है और बार बार दिशा निर्देश जारी करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, जो आज के डेट में मुझे लग रहा है उसका पालना नहीं हो रही है। जिस प्रकार से हॉस्पिटल के पास बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, उससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ तो उड़ ही रही हैं और व्यस्त रोड होने के कारण एक्सीडेंटल जोन भी बनता जा रहा है। किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, मैं सरकार से व स्वास्थ्य विभाग से एक विनती करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कृपया काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि भीड़ कम की जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। बिल्कुल, मैं समझता हूँ भी हर चीज़ जब ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन प्रक्रिया अगर हम शुरू करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अच्छे तरीके से होगा और मरीजों को जो है अच्छी सुविधाएं मिलने के आसार हैं।
वहीं इस बारे में जब स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रोगियों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए वहां होमगार्ड के 2 जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही और व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जिसके चलते पर्ची काटने वाला ब्लॉक खोला जा रहा है, जिसके चलते निकट भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा रोगियों को नहीं होगी। जैसा कि सबने देखा ही है, हॉस्पिटल में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पेशेंट्स का रश भी बढ़ता जा रहा है, और उसको देखते हुए जैसा कि कोरोना का दौर चल रहा है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। इसको देखते हुए हमने अपने हॉस्पिटल के जो पर्ची का एरिया है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। वहाँ पर एक शॉप थी जो बंद पड़ी थी, उसको खोल दिया गया है ताकि उसमें भी लोग बैठ सके और वहाँ से आकर जैसे जैसे उनका नंबर आता है वैसे आकर अपनी पर्ची बना सके। साथ ही हमने 5 होमगार्ड्स जो कि हमारे को डिजास्टर की तरफ से मिले हैं, उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हॉस्पिटल में लगाया है। गेट के पास पता है कि गेट जो हमारा है वो बिल्कुल रोड के साथ है, तो वहाँ चांसेस भी रहते हैं कि लोग जो सड़क में खड़ रहे हैं, मोटर व्हीकल्स चल रही हैं, कोई ना कोई गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनके चपेट में भी वो आ सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमने वहाँ होमगार्ड 2 होमगार्ड लगाए हैं जो पर्ची जहाँ बनती है उसी के पास खड़ते हैं और वो लाइन लगाते हैं और लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। इसको लोगों से भी एक अपील रहेगी, क्योंकि जो आदमी हॉस्पिटल के पास से ड्राइव करके जा रहा है उसको जो हॉस्पिटल के पास से निकलने के जो नियम हैं, स्पीड बिल्कुल कम रहनी चाहिए, अगर कोई आदमी क्रॉस कर रहा है सड़क तो उसको उसको जगह देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको मेंटेन करनी चाहिए। चीज़ों को ऑनलाइन करने के लिए हम सोच रहे हैं, मगर उसमें भी एक हमारे को प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अगर हम पर्चियों को ऑनलाइन भी कर देंगे साथ साथ लोकल पर्ची भी बनती रहेगी, तो हमारे डॉक्टर्स के पास जहाँ पर कि पेशेंट्स को देखना है वहाँ पर लाइन इतनी ज़्यादा लंबी बन जाएगी कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी मुश्किल हो जाएगी। अगर हम जगह जगह पर्चियां बनाने के लिए लगा देंगे तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। पर्ची बनाने के लिए तो हमारे को जगह का आराम से रह जाएगी, पर्ची बनाने के लिए पेशेंट को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, मगर वो जब डॉक्टर्स के पास जाएगा तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। दोनों में जो पेशेंट के लिए पर्ची बनने में, पेशेंट को देखने के लिए और पेशेंट की अपने टेस्टिंग कराने के लिए, हमारे सब चीज़ों को देखते हुए हमारे को टाइम मैनेज करना है। इसको अगर हम इस ढंग से नहीं कर पाएंगे कि हमने पर्चियां बहुत ज़्यादा बना दी और हमारे डॉक्टर्स के पास वो उतनी जल्दी देख नहीं पाए तो वहाँ रश हो जाएगा। तो इन सब को देखते हुए हम अभी इस पर मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कैसे इसको कर पाएंगे। कुछ एरियाज़ को हम ओपन करने की कोशिश करेंगे।